नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मई का तीसरा सप्ताह काफी खास होने वाला है। मई माह का नया सप्ताह 13 मई से शुरू होने वाला है। ये सप्ताह काफी खास होने वाला है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह ग्रहों के राजा सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके साथ ही 19 मई को दैत्यों के गुरु शुक्र भी वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति पहले से ही वृषभ राशि में विराजमान है, ऐसे में त्रिग्रही योग बन रहा है। 13 मई से 19 मई 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु 12वें भाव में बैठे हैं, जिसके प्रभाव से आप इस समय एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी, इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आंकलन कर लें और उसके बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास उपाय, नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने पर आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार लेते हुए अपने ऊर्जा स्तर को उठाएं और उसमें सुधार करें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए विशेष अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सके, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेगी। खास उपाय, मंदिर जाकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करें। शुभ रहेगा शुभ अंक 6, शुभ रंग पर्पल। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु 10वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल न दे, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता प्रतीत होगा। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में होने के दौरान आप भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस हफ्ते अपने धन की बचत करने की ओर ही प्रयास करें। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। खास उपाय, दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाएं और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक 8, शुभ रंग व्हाइट।
अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज्यादा अनुभवी भी हों, तभी आप अपने धन को सुरक्षित करते हुए मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में मदद मिलेगी। खास उपाय, घर में गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव करें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है, इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने पर यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा। खास उपाय, पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको ऐसी हर गतिविधियों में संलग्न रहने की जरूरत होगी जो आपको सुकून दे, साथ ही ऐसे कार्यों से दूर रहें जो आपकी छवि के साथ साथ आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बेहतर रहेगा कि अपने मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें और खाली समय में इधर उधर की बातें करने की जगह सलाद का सेवन करते हुए किताब पढ़ें। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु 7वें भाव में है, इसलिए इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। खास उपाय, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रहेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा, साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। आपकी चंद्र राशि से शनि 5वें भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। खास उपाय, नियमित रूप से मंदिर जाएं, शुभ रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 7वें भाव में है, इसलिए इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे।
इस सप्ताह संभव है कि व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है, या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। खास उपाय माता और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु चौथे भाव में है, इसलिए इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह आपके सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी। खास उपाय श्रद्धापूर्वक बुजुर्गों की सेवा करना और उनका आशीर्वाद लें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। आपकी चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में है, इसलिए ये सप्ताह यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, परंतु बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव न हो तो आपके लिए जरूरी होगी कि बहुत सोच समझ कर ही किसी भी निवेश की ओर अपने कदम उठाए। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीजें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। खास उपाय मंदिर में चने की दाल का दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह यूं तो आपकी सेहत में सुधार साफ दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि से केतु आठवें भाव में है, इसलिए आपको इस दौरान हर प्रकार की लंबी दूरी की यात्राएं करने से परहेज करना होगा, और यदि कोई यात्रा जरूरी हो तो अपनी मेडिकल जांच करवाने के बाद ही किसी भी यात्रा पर जाएं। आपको इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसे लौटा दिए तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं, और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। खास उपाय कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. अब जानते हैं मई का तीसरा सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है, इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपको कोई बड़ा मुनाफा हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ लें। ऐसे में यदि उन्हें तब ये पता चलेगी कि आप मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके हैं तो
इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी ही पड़ेगी, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती है। खास उपाय, मंदिर जाकर वहां की साफ सफाई करें, शुभ रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।